तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे आम पना, एक समर ड्रिंक है। कच्चे आम की प्रॉपर्टीज़ है कि वो रिच इन विटामिन सी होता है, वो डिहाइड्रेशन और इंटेंस हीट से प्रोटेक्शन देता है एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी बूस्टर। सो वेलकम टू विनीस कुक बुक गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव व्हाट आई मेक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो मैंगो लिया है, एक मैं प्रेशर कुक करूँगी, इसके ऊपर के टिप को काट देंगे, इससे एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है। सो इसलिए वो रिमूव करके इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा और पानी एंड थोड़ा सॉल्ट, नमक एंड अदरक। अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। वैसे ही दूसरा आम मैं रोस्ट करने वाली हूँ गैस पे। एंड यहाँ मैंने सौंफ लिया है 1.5 से 2 चम्मच, इसे मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो लिया है। इसे अच्छे से रोस्ट करना है, पूरा ब्लैक हो जाए इस तरह से, एंड इसे ठंडा कर लेना है। ये 5 से 6 सीटियों में हो जाता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर कुक कर लिया है। ये वाटर अगर आप ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसका एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है, वो मैंगो का जो स्किन है उसका। एंड ये अच्छे से रोस्ट करके मैंने ठंडा कर लेंगे एंड देन इसे पील करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देता है आम पन्ना को। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा फ्लेवर्ड पन्ना चाहिए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये अच्छे से पक चुका होना चाहिए, पल्पी। यहाँ मसाले के लिए मैंने काली मिर्च, जीरा और इलायची लिया है। इसे अच्छे से रोस्ट करके इसका एक बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बना लेंगे। मसाले के लिए आप अपने हिसाब से स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने जो प्रेशर कुक किया था उस आम को भी हम इस तरह से स्क्रेप आउट कर लेंगे। मेक श्योर आप अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लें ये करने से पहले, प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा केयर। एंड ये पल्प निकल चुका है। अब मैंने जो सौंफ भिगो के रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें, या आप डायरेक्ट मिक्सी में भी डाल सकते हैं, करीब 1 चम्मच भी इनफ होता है, मैंने 2 चम्मच ले लिया था। एंड देन अब हम मिक्सी में दोनों ही पल्प को ऐड करेंगे, ये जो चार्ड मैंगो है वो भी, एंड इसमें वो मसाला ऐड कर देंगे। मैं यहाँ शुगर ऐड कर रही हूँ, आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। आपके पास पुदीने का पत्ता है तो वो भी ज़रूर ऐड करें। काला नमक और नॉर्मल नमक ऐड कर रही हूँ एंड देन इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब इस पेस्ट को आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक ग्लास पन्ना कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इतना ले लेंगे, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, इतना काफ़ी होता है। फिर इसमें आइस ऐड करेंगे एंड थोड़ा वाटर ऐड करेंगे एंड इट्स डन। इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसमें आप शुगर सिरप या फिर गुड़ बाद में ऐड करके आप इसमें मीठा एडजस्ट कर सकते हैं एंड इट्स डन, रेडी टू ड्रिंक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव व्हाट आई मेक एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।